इस वेले रूस और यूक्रेन दरमियान चल रही जंग दौरान परमाणु हथियारों का परमाणु हमले का डर हर एक नूं सता रहा है। अजिहे विच ही इस वीडियो दे राही असी तुहानूं चीन और पाकिस्तान की परमाणु भुख बारे दसन जा रहे हैं। ये दोवें देश भारत दे लई नहीं सगो पूरी दुनिया दे लई खतरा बन चुके हैं। दुनिया विच लखां लोगों की जान लै चुके कोरोना वायरस का केंद्र चीन है, जबकि पाकिस्तान अतवाद का केंद्र है। पर हुण ये दोवें देश परमाणु हथियारों की दौड़ विच भी सब तो अगे जाना चाहते हैं। परमाणु हथियारों ते नज़र रखने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट की एक सालाना रिपोर्ट मुताबक साल 2020 पाकिस्तान को परमाणु हथियारों की गिनती 160 सी, जो हुण वध के 165 हो गई है। मतलब कि पिछले एक साल दे विच पाकिस्तान ने 5 नवे परमाणु बंब बना ले हन। चीन ने भी पिछले एक साल विच परमाणु हथियारों की गिनती 320 तो वधा के 350 कर दिती है। ये दोवें देश सरहद ते भारत लई वड्डी चुनौती हन, पर भारत परमाणु हथियारों की गिनती विच चीन अते पाकिस्तान दोवां तो पिछे है। पिछले एक साल विच भारत ने 6 नवे परमाणु हथियार विकसित किए हैं, पर हुण भी यह गिनती 150 तो वध के 156 ही हुई है। इस मुताबक पाकिस्तान कोल भारत नालों 9 वध परमाणु हथियार हन अते चीन कोल साडे देश नालों 194 वध परमाणु हथियार हन। जेकर तुसी दोवां देशां दे परमाणु हथियारां नूं जोड़दे हो तां इह गिणती 515 हो जांदी है। तां तुसी कह सकदे हो कि इस वेले भारत दे आले दुआले 515 परमाणु हथियार पए होए हन। पर वड्डी गल ए है कि भारत, चीन अते पाकिस्तान इन्हां देशां ने परमाणु हथियारां दी गिणती वधा दित्ती है। अते अजिही स्थिति दे विच सवाल ए है कि की इस दा मतलब ए है कि ये दोवें देश भारत नालों ज़्यादा ताकतवर हन। फिलहाल इस सवाल दे दो जवाब हन। पहला जवाब ए है कि किस देश कोल किन्ने परमाणु हथियार हन, अते दूसरा जवाब जो पहले तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो देश इन्हां परमाणु हथियारों नूं किवें लॉन्च कर सकदा है। अते भारत इस मामले विच बहुत अगे है। भारत जमीन, आसमान अते पानी तीनों थावां तो परमाणु हथियार लॉन्च कर सकदा है। भारत कोल अजिहियां लंबी दूरी दीआं मिजाइलां हन जिन्हां दी मदद नाल वो परमाणु हथियारों की वरतों कर सकदा है। भारत कोल जमीन तो लॉन्च होने वाली पहली मिजाइल है पृथ्वी 2। ये बलिस्टिक मिजाइल, इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक है। दूसरी मिजाइल है अग्नि 1, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। ये मिजाइल है जो लगभग पूरे पाकिस्तान नूं कवर कर सकती है। तीजी मिजाइल अग्नि 2 है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। पूरा दक्षणी चीन इस मिजाइल की रेंज विच आउंदा है। अते चौथी मिजाइल अग्नि 3 है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। अते ए मिजाइल चीन के लगभग अधे खेतर नू कवर कर सकती है। भारत ने एक होर मिजाइल विकसित की है जो कि अग्नि 5 है। अते इसकी सटीक रेंज 5000 किलोमीटर है। अते इस दे विकसित होने तो बाद पूरा एशिया, चीन, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका अते यूरोप के कुछ होर देश इस दे खेतर विच आ जाएंगे। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਖੋਈ 30, ਮਿਰਾਜ 2000 ਅਤੇ ਜੈਗੁਆਰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। इस दे नाल ही भारत की ताकत वध जाएगी। जमीन अते आसमान तो बाद हुण पानी की गल करिए, भारत पानी तो परमाणु हमला करन विच भी पाकिस्तान तो काफ़ी अगे है, पर इस मामले विच असी चीन तो थोड़ा पिछे हाँ। हुण तक भारत कोल न्यूक्लीयर पनडुब्बी INS अरिहांत है जिस तो परमाणु हमला किया जा सकता है। INS अरिहांत 700 किलोमीटर की रेंज की K-15 बलिस्टिक मिजाइल नाल लैस है, जबकि पाकिस्तान कोल अजही एक भी पनडुब्बी नहीं है, पर चीन दे कोल अजहियां 6 पनडुब्बियां मौजूद हैं। कहण दा मतलब यह है कि भावें चीन अते पाकिस्तान कोल परमाणु हथियारों की गिणती ज़्यादा है, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि भारत कमज़ोर है। भारत लई वड्डी गल यह है कि सानू इस तों घबराउण दी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जेकर इस नूं दूसरे तरीके दे नाल असी समझना चाहिए तां ओह है कि परमाणु बंब हमला करन लई नहीं सगों दूसरे देशां ते दबाव बनाउण दे लई हुंदे हन। अंग्रेजी दे विच इस दे लई स्ट्रैटेजिक डिट्रेंस शब्द की वरतों की जाती है, जिसका अर्थ है कि अजिही ताकत विकसित करो कि दुश्मन देश हमला करन तों पहलां 1000 बार सोचे अते हमला ना कर सके। यानी परमाणु हथियार हाथी दे दंदा वांग हुंदे हन, दिखाउण वाले होर अते खाण वाले होर।